चलिए, तो आज जो बात करेंगे बेटा अपन, वो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने सिलेबस में है। तो पहली प्रॉपर्टी अपन बात करेंगे एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। और फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? इसके साथ साथ वैलेंसी के साथ साथ अपन यहाँ पे बात कर लेंगे इलेक्ट्रो वैलेंसी, वैलेंसी। ठीक है, वैसे तो अपन ने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है बेटा, आपने YouTube पे देखा हो तो, पर कोई बात नहीं, अपन इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चार ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में पूछी जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। क्या चीज है देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कौन सी बेटा यहाँ पे? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या है? देखिए, पहली प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है कि एटॉमिक साइज मतलब परमाणु का जो साइज है उससे रिलेटेड है आपका। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज से मतलब क्या है इसका? ये आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, और ये आपकी सेल होती हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बेटा यहाँ पे? ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपके बेटा? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा है। और इनमें आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका मॉडल होता है एटम का। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज से रिलेटेड क्या है कि जो सेंटर आपका न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है वहां से लेके और जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी आपकी? ये वाली। ये आपकी कौन सी बेटा? के है, ये आपकी एल है, ये आपकी एम है। नाइन्थ क्लास में आप पढ़ते हो के एल एम एन, ये आपकी क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, ये आपकी क्या होती है बेटा? सेल होती है। ठीक है, सेल क्या है एक्चुअली? ये जो आपकी सर्कुलेटरी जो ऑर्बिट होती है न्यूक्लियस के अराउंड में जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है आपको रिंग टाइप का, इन रिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व आर नोन एज सेल, उनको क्या बोलते हैं बेटा? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी बेटा? सेल होगी। और एटॉमिक साइज आपका जो ये सेंटर है, यहां पे ये सेंटर हो गया, यहां से लेके आपके और जो इलेक्ट्रॉन आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो है,
इसके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस आती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं बेटा। तो एटॉमिक साइज की डेफिनेशन अगर सिंपली हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं बेटा, कि डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक साइज। तो आपकी एटॉमिक साइज ये आपकी सिंपली हो जाएगी। तो सिंपली अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो इसकी क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड एटम नोन एज एटॉमिक साइज। ठीक है, आइसोलेटेड एटम क्या होता है बेटा, एटम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आयरन का रोड आपका, ठीक है, ये आयरन का रोड है, तो आयरन के रोड में क्या होते हैं आपके, ये आयरन के एटम पाए जाते हैं खूब सारे। इस तरह से आपके आयरन क्या होते हैं बेटा, एटम मिलते हैं। तो एक एटम को अपन ने यहाँ पे क्या है, वो उठा लिया। ठीक है, ये जो एटम है इस एटम को बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, जैसे किसी को मतलब यहाँ पे सपोज कीजिए अभी कोरोना चल रहा है जैसे, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे किसी को कोरोना हो गया तो हम क्या कहते हैं उसको, कि क्वारंटीन में डाल दिया, मतलब उसको 10-15 दिन के लिए अलग से उसको सेपरेट रख दिया कि कोई भी जो फैमिली मेंबर है वो उसके कॉन्टेक्ट में ना आए। ठीक है, तो उसके लिए क्वारंटीन वर्ड भी यूज करते हैं और उसके लिए आइसोलेशन भी यूज करते हैं। उसको हम सेपरेट रख रहे हैं, तो आइसोलेशन मतलब अकेला जिसको बोलते हैं, तो जबकि हम फैमिली में रहते हैं, जैसे आपके पापा है, मम्मी है, भैया है, सभी एक सोशल लाइफ में रहते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं सोशल एनिमल। तो ह्यूमन बींग्स होता है वो आपका क्या होता है, एक सोशल एनिमल होता है। ठीक है, तो कई ऐसे एनिमल होते हैं जो कि आइसोलेटेड भी होते हैं, जो अकेले ही रहते हैं, कोई भी उसकी उनकी सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करते। हम नहीं कहते, कई बच्चा होता है जो अकेला ही रहता है अपनी दुनिया में, तो वो आपका क्या होता है आइसोलेटेड, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आइसोलेटेड का मीन्स क्या बेटा, यहाँ पे मतलब वहां पे आपका क्या है, एक एटम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पर नेचर में वो क्या करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो आपका, ये आपका और की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा किसी न किसी में, जैसे कि अपन ने पहले बात की थी वैसे। ठीक तो ये सिंपली आपका क्या हो गया कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक साइज बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या वेरिएशन होगा मतलब यहाँ पे एटॉमिक साइज का, उसके बारे में अपन बात करेंगे, कि ग्रुप में आपका यहाँ पे एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट होगा, पीरियड में एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप बात करने वाले हैं यहाँ पे वेरिएशन की, कि वेरिएशन क्या क्या चीजें होने वाली है यहाँ पे। तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहली बात करेंगे अपन यहाँ पे किस ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप आपका क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं आपके, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। जबकि वर्टिकल कॉलम कौन से बेटा, आपके ये वाले जो होते हैं, ठीक है, और पीरियड आप क्या कहते हैं बेटा, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, जो हॉरिजेंटल आपके जो कॉलम होते थे, ये वाली जो लाइन होती है इस तरह से,
कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हो आपके ग्रुप और पीरियड चीज है। तो यहाँ पे ग्रुप में जैसे बात करें अपन, ग्रुप में जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का, तो यहाँ पे आपके पास है लिथियम, फिर आपके पास सोडियम, फिर आपके पास है पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर आपका सीजियम। इस तरह से ये आपका ग्रुप फर्स्ट बेटा। और यहाँ पे अगर अपन एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक साइज की बात करें, तो यहाँ पे इसका कितना है, यहाँ पे साइज जो है एटॉमिक साइज, या इसी को किताबों में एटॉमिक रेडियस भी लिख देते हैं, एक ही बात है दोनों, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ये जो आपका यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का जो एटॉमिक साइज होता है वो होता है बेटा 1 to 3 पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर। आपका मतलब एक आपका पिकोमीटर जो है वो आपका कितने के बराबर होता है, 10^-12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, पिकोमीटर जो आपका है। अगर सोडियम की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 157 पिकोमीटर होती है, और यहाँ पे पोटेशियम की बात करें तो 202 पिकोमीटर है, 202। फिर अगर अपन आगे जाएं तो यहाँ पे 216 पिकोमीटर है, और सीजियम की बात करें तो 235 पिकोमीटर है। तो यहाँ पे हम ये देखने को मिलता है कि लिथियम का 123 है, 157 सोडियम का है, 202 आपका पोटेशियम का है, रुबीडियम का 216 है, और सीजियम का 235 आपका। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, लिथियम से सीजियम की साइड जा रहे हैं, तो साइज आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 123 है, और यहाँ पे जैसे नीचे लास्ट में गए सीजियम में तो 225 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट डबल हो गया आपका वहाँ पे। तो हम ये कैंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो आपका क्या है, इंक्रीज होता है, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। अब कारण क्या है इसका कि भाई एटॉमिक साइज जो है वो आपका क्यों बढ़ा, उसका रीजन अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे लिथियम से हम जैसे ही सीजियम की साइड गए, ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कारण क्या है इसका, देखिए जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो लिथियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीन इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका। अगर यहाँ पे बात करें किसकी, सोडियम, यहाँ पे सीजियम की, तो सीजियम में अगर बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 55 होता है, ठीक है, मैजिक नंबर आपको बताए थे 2888 1832, उससे निकाल लोगे आप। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका, 3 है, ठीक है, और सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना आपका, 55 है, ठीक है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका कितना होता है बेटा, 37, वेरी गुड, ठीक है, ये आपके एटॉमिक नंबर है। और जितने एटॉमिक नंबर हैं न्यूट्रल स्टेट में उतने ही उसके क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा बेटा आपका, इतनी सी उनकी सेल होंगी यहाँ पे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन तो आपका क्या कर लेगा, के में आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर आपका एल में आ जाएंगे, ठीक है। अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे पीरियोडिसिटी में बताया था, आप याद हो तो पीरियोडिसिटी में मैंने लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी थी वो क्या लिखी थी बेटा, 2-1, 2-1 का मतलब क्या है, के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो वो आपके 2 है, और ये आपका एल के अंदर कितना हो गया, 1 हो गया। और सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपने लिखा था बेटा तो कितना था, 2 8 18 18 और 8 और 1, ये आपके यहाँ पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बात करें अगर यहाँ पे अपन, ये इसका क्या बेटा, के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी है, तो इसकी सेल क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, ये मैंने बताया था अभी, के एल एम एन ओ और पी, ये क्या है, सेल है। लिथियम में सेल कौन सी है, केवल
लिथियम में सेल जो है केवल के और एल है, दो ही सेल है, जबकि सीजी के केस में सेल कितनी हो रही है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब सेल कितनी होगी, 6 होगी। ऑब्वियसली बात है सेल बढ़ती जाएंगी तो इसका जो साइज है वो आप खुद इमेजिन कीजिए। सेल इसके अराउंड में मैं अगर रखूं, ये एक सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी, ये तीसरी सेल होगी, ठीक है, ये चौथी होगी बेटा, ये पांचवी, ठीक है, ये सिक्स्थ। तो इसका साइज देखो बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअस। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सेल कॉन्स्टेंटली आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पे। तो ये आपकी के है, फिर ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, और ये पी है। इस तरह से सेल इसकी क्या होगी, बढ़ती जा रही है बेटा। अब सेल बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सा कंक्लूजन क्या निकल गया कि यहाँ पे एटॉमिक साइज इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई है। तो हम ये बात कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इन ग्रुप एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप ग्रुप ले लो, चाहे फर्स्ट ले लो, चाहे सेकंड ले लो, चाहे थर्ड ले लो, चाहे आप 30 ले लो, चाहे 40 ले लो, चाहे 60 ले लो, चाहे 70 ले लो, चाहे 80 ले लो, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप हैं। तो कोई सा भी ग्रुप आप लोगे तो साइज आपका क्या होगा, ऊपर से नीचे क्या होगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे, जैसे आपके पास ग्रुप 18 है, सपोज कीजिए हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, ये आपका ग्रुप 18 है। तो जैसे जैसे हम हीलियम से आपका किस साइड जाएंगे, यहाँ पे रेडोन की साइड जाएंगे, ठीक है, ये रेडोन है बेटा। एक आपका क्या होता है बेटा, आर ए होता है, ये सेकंड ग्रुप का आता है, रेडियम होता है, ठीक है, जिसे घड़ियों में नहीं होता, घड़ी में होता आपके, जो रात को आपको लाइट देता है रेडियम, वो ये वाला होता है, ठीक है, रेडियम ये वाला होता है। ये कौन सा ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है। और ये क्या होता है, रेडोन होता है, आर एन। तो हीलियम से तो रेडोन की साइड जाते हैं तो आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही। तो ये कारण है आपका यहाँ पे कि ग्रुप में आपका क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। कारण क्या है उसका, क्योंकि सेल उसकी क्या हो रही बेटा, बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि जो आपका पीरियड है उसके अंदर क्या वेरिएशन आता है। तो पीरियड में बात करेंगे आप, पीरियड में मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए सेकंड पीरियड मैंने ले लिया, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बोलो, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है, यही होगा आपका जो सेकंड पीरियड है उसके ये एलिमेंट है बेटा, ठीक है। अब इनका अगर मैं बात करूं डाटा की, तो लिथियम का जो एटॉमिक साइज है वो कितना था, 123 पिकोमीटर, पिकोमीटर में है सारा डाटा है। बेरिलियम का 90 पिकोमीटर है, बोरोन का 80 है, ये 77 है, कार्बन का आपका पिकोमीटर में ही है बेटा, ये आपका कितना है, 75 है, ये ऑक्सीजन का आपका 74 है, ये आपका 72 है, और ये आपका 65 पिकोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेटा यहाँ पे क्या होता जा रहा है कि लिथियम का साइज क्या है, बड़ा है, हम कह सकते हैं इसका साइज क्या, लार्जर है, और
और नियोन का साइज क्या स्मॉलर है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जब हम सेकंड पीरियड में लिथियम से नियोन की साइड जाते हैं तो साइज आपका क्या होता है वहां पे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जाता है। अब डिक्रीज क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि इसने बताया कि डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जब हम पीरियड में जा रहे हैं, जब हम क्या जाते हैं बेटा पीरियड में जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज जो होता है वो आपका क्या होता है डिक्रीज होता है। कारण क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो आपका प्रोटॉन बढ़ते हैं, और जितने ज्यादा आपके प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना ही आपका क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे लिथियम आपके पास बेटा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरिन है। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट है। अगर बात करूं लिथियम की तो एटॉमिक नंबर कितना है इनका, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं अपन यहाँ पे, 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है बेटा कार्बन का, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, और इसका 9 है, नियोन का 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल जो स्पीसीज होती है, कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज जब होती है बेटा, ये कोई एक्स स्पीसीज है, इसके नीचे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं यहाँ पे ये होता है इसका जेड होता है यहाँ पे नीचे, और ए आपका जेड क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है, ए क्या बताता है एटॉमिक मास को नोट करता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम लेता हूँ, कार्बन 6 इसका क्या बेटा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी तो उसको खोल के देखो बेटा, उसमें 6 लिखा, उसके ऊपर लिखा होता है 12, 12 क्या होता है उसका मास नंबर होता है। मास नंबर बोल देते हैं, एटॉमिक मास बोल देते हैं, एक ही बात है, इसी को क्या बोल देते हैं एटॉमिक मास, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी न्यूट्रल स्पीसीज की बात करूं मैं, ये किसकी बात कर रहा हूं, न्यूट्रल स्पीसीज, जब भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उस केस में जितना जेड होता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, उतने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने उसमें क्या होंगे बेटा प्रोटॉन होंगे, उसमें क्या होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कार्बन की बात करूं तो मैं कार्बन को कहूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसका एटॉमिक नंबर तो है 6 और न्यूट्रल स्पीसीज जो कोई भी चार्ज नहीं है तो 6 हो गया, प्रोटॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो लिथियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे अपन कैलकुलेट करने बेटा, तो यहाँ पे कितने होंगे, इसमें 3, इसमें कितने 4, इसमें कितने 5, इसमें कितने 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, इसमें 9 और इसमें आपके 10। तो आप देखोगे लिथियम से नियोन की साइड जब जा रहे हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स बढ़े तो क्या होगा, बात याद आती है, तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ेगा आपका, न्यूक्लियर चार्ज किसके कारण बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के कारण, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा बेटा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियस का फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन है सपोज कीजिए, न्यूक्लियर फोर्स का मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस, ये वाला फोर्स है न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स लगेगा तो किसके ऊपर फोर्स लगेगा और किसके द्वारा हो रही है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा, मतलब प्रोटोन के द्वारा, और प्रोटोन के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, आया ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर ये न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के साइड शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ये न्यूक्लियस की साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी पहले d थी सपोज कीजिए,
अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया कि डी डैश हो गया, तो जो डी है वो डी डैश से क्या ज्यादा है, और जो ये जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा किसके कारण बढ़ेगा, प्रोटॉन के कारण बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ते ही आपका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये एटॉमिक साइज को क्या कर देगा, घटा देगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी साइड क्या कर लेगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करते ही वो क्या कर देगा बेटा, यहाँ पे उसको अपनी साइड शिफ्ट कर लेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करते ही उसका साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स, एंड एटॉमिक साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लैंग्वेज की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि इन पीरियड, ठीक है, एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से यहाँ पे आपका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एटॉमिक साइज का ट्रेंड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।